नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। खजुराहो सांसद ने दमोह कर किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद नागेंद्र सह पहुंचे अपनी बात कहने। 8 बारातियों से भरी कार कोपरा पुल के पास हुई दुर्घटनाग्रस्त। रात भर जागने के बाद झपकी आने से हुआ गंभीर हादसा। ग्रामोदय के क्रियान्वयन के लिए प्रेक्षक सिन्हा ने किया भ्रमण। निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए ग्राम संसद में हुए शामिल। पथरी विधायक लखन पटेल के वाहन से टकराया वाहन चालक। सर्किट हाउस मार्ग पर हादसे के बाद लगा लोगों का मजमा। और दमोह में सूरज की तपन से दिन भर हलाकान रहे लोग। 44.6 डिग्री पारे में सड़कों पर रही चहलकदमी। अरब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के चुनाव समाप्त होने के बाद अब मध्य प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं साथ ही पदाधिकारियों से संपर्क करें, साथ ही उनको पार्टी के विषय में तथा सत्ता के विषय में जानकारी दें। इसी के चलते दमोह में खजुराहो सांसद नागेंद्र सिंह का आगमन हुआ। नागेंद्र सिंह के आगमन के बाद ही भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सांसद जी ने विस्तार से शासन की योजनाओं साथ ही पार्टी की कार्य योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। हमने देहात थाना के नरसिंहगढ़ पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले पिपरिया चंपत एवं कोपरा के बीच शादी समारोह से लौट रही एक ओमनी गाड़ी के टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का मामला सामने आया है, जिसमें यह गाड़ी पुल की रेलिंग से टकरा जाने के बाद इसमें सवार 8 लोग घायल हो गए, जिन सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है। जानकारी के अनुसार पिपरोदा गांव से इटवा लौट रही बारात की गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। इसमें राम सिंह, देव सिंह, जयराम, अशोक, राकेश, राघवेंद्र, गणेश व दान सिंह घायल हो गए। सभी का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। उठा ले या उठा रहे नहीं हो पर कर के मारे टुकड़ा। हाँ कहाँ से आ रहे थे? ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का क्रियान्वयन ठीक तरह से संपन्न कराने के लिए राज्य शासन द्वारा युवा कल्याण विभाग, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्थ घुमक्कड़ विभाग के सचिव सचिन सिन्हा को प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने जिले में भ्रमण के तीसरे दिन कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा के साथ दमोह में खेल प्रशिक्षण केंद्र, विकासखंड दमोह के ग्राम अमरपाटन, सगोनी कला, इमलिया घाट और विकासखंड पथरिया की ग्राम पंचायत सैमरा बुजुर्ग पहुंचकर चल रहे अभियानों के साथ निर्माण कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान ग्राम संसद के आयोजन के दौरान भी वो प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वहीं
निरीक्षक श्री सिन्हा एवं अन्य लोगों ने उमर घाट पहुंचकर वहां पर 9,92,000 रुपए की लागत से निर्माणाधीन मोक्षधाम का अवलोकन तथा इसी ग्राम में मनरेगा योजना से 5,77,000 रुपए की राशि से खोदे जा रहे निर्मल नीर कुएं का अवलोकन भी किया। सर घर में बनाना चाहिए, अनुदान देता है, आपका पैसा नहीं लगेगा, आप लोग मेहनत करिए। कई पंचायतों में शौचालय के साथ साथ बाथरूम भी बना रहे हैं, हमारी माताओं बहनों के लिए वो जरूरी होता है नहाने धोने के लिए, और शौचालय भी होता है। और उसमें अभी माननीय हमारे एसीएस महोदय ने एक एक बात और रख दी है कि यदि आप 25 दिन की हाजिरी, यदि आप बाथरूम बनाते हैं साथ में, तो 25 दिन की हाजिरी मतलब उसमें मजदूरी का पैसा हम रोजगार गारंटी से देंगे। आप समझ रहे हैं, जो लगभग 4,500-4,500 रुपए होता है। एक परिवार में एक शौचालय बनाया जा रहा है, उसी हिसाब से खाद उठाना। सर घर में बनाना चाहिए। सर्किट हाउस पहाड़ी चढ़ने वाले मार्ग पर जटाशंकर मंदिर के पास विधायक की गाड़ी से एक वाहन के टकरा जाने के बाद विधायक की गाड़ी क्षतिग्रस्त होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पथरिया विधायक लखन पटेल का वाहन जब खड़ा हुआ था, उसी दौरान एक दोपहिया वाहन सवार जो शराबी बताया जा रहा है, उसके द्वारा उनके वाहन में टक्कर मार दी गई, जिससे चार पहिया वाहन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद विधायक जी ने पहुंचकर वहां पर मामले को संभाला। विधायक जी की गाड़ी से वाहन चालक के टकरा जाने का मामला दमोह में चर्चाओं का विषय बनता नजर आया। दमोह में सूर्य की तपन के साथ पड़ने वाली गर्मी अब प्रदेश में अब्बल आ चुकी है। जी हां, दमोह में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा अब प्रदेश में अब्बल स्थान हासिल कर चुका है। 45 डिग्री के पार पहुंच चुकने के बाद पारे के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोग अपने रोजमर्रा के कामों को निपटाने के लिए गमछों के साथ छाते आदि का सहारा लेकर काम निपटाने में लगे हैं। वहीं नगरपालिका की ओर से पानी के लिए प्याऊ के पर्याप्त मात्रा में नहीं खोले जाने के कारण लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सिगई रघुवर प्रसाद रतनचंद स्मृति मंच की ओर से जिला अस्पताल के बाहर बनाए गए प्याऊ के संचालन के साथ ही यहां पर बड़ी संख्या में लोग आकर प्यास बुझाने में लगे हुए हैं। गर्मी की तीव्रता के चलते लोगों को जहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आगामी दिनों में नवतपा के दौरान किस तरह से लोगों का हाल बेहाल होगा, यह देखने लायक होगा। नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत सुनार नदी के पुल पर बस की स्टेयरिंग डाई टूट जाने से बड़ा हादसा टल गया। शैलेंद्र कंपनी की बस जब पुल से होकर गुजर रही थी, उसी दौरान स्टेयरिंग की डाई टूट गई। डाई टूट जाने के बाद ड्राइवर ने बड़ी ही चतुराई के साथ बस को कंट्रोल कर लिया और पुल पर खड़ा कर लिया। यदि कोई बड़ा हादसा होता तो बस करीब 25 फुट गहरे पुल में समा जाती। 40 फुट तक पहियों के घिसकने के निशान भी वहां पर मौजूद हैं। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन यदि हादसा होता तो बड़ा मामला बन सकता था। घटना के बाद यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य तक पहुंचाया गया। नरसिंहगढ़ से संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह संसदीय क्षेत्र की बड़ा मलहरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाली बक्सवाहा तहसील के अंतर्गत बम्होरी गांव में इन दिनों लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। यहां की हरजन बस्ती में पाइपलाइन नहीं होने के कारण यहां लोगों को हर दिन ही इस गर्मी के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां की महिलाएं करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी की व्यवस्था कर रही हैं। वहीं हरजन बस्ती में लगा हैंडपंप भी नहीं चलने के कारण पानी नहीं मिलने से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम सुनाते हैं इन लोगों की व्यथा। नलों पे बाहर जाते हैं भरने को, तो वहाँ भरने में देते कहीं का कहीं, तो या तो पानी की व्यवस्था की जाए या लाइन डाली जाए।
नहीं सो जा, अभी तक सुनाई तुमने कोई समस्या अपनी? सुनाई है साहब, लेकिन कहीं भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही काम चल रहा है, ना कोई सुनता है। कितनी दूर से पानी ले आते? पानी कम से कम 1 किलोमीटर का देरा पड़ जाता है। नल में पानी नहीं कर रहा? नल में पानी नहीं है, गड्ढा कम है बता रहे, गड्ढा कम है तो उसको ना गड्ढे की सुरक्षा कर रहा है कोई, ना उखरवा रहा है उसको। चला के देख लो साहब। क्या नाम तुम? नारा। क्या दिक्कत है? पाइप लाइन डली तुम्हारे मोहल्ला में? सर पाइप लाइन कहाँ है इस मोहल्ले में? सारे गांव में पाइप लाइन है, यहाँ इस मोहल्ले में पाइप लाइन ना है। तो पानी हमारे मोहल्ला में बिल्कुल नहीं है, देख सका था हमारी पूरी महिला नाम आए, दो लोटा पानी के लाने तरस रही। का नाम तुम? आप खुमान लाल अहरवाल। जिला कलेक्टर कार्यालय में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की ओर से जिला कलेक्टर के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया। जिले में लगातार हो रही गौवंश की हत्या से अवगत कराने के विषय एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहर में स्थित कसाई मंडी में लगातार गौवंश की हत्या की जा रही है। खुलेआम कसाईयों के द्वारा बड़े पैमाने पर गौवंश चोरी कर उनकी निर्मम हत्या कर खुले आम गौमांस की अवैध रूप से बड़े पैमाने पर तस्करी भी की जा रही है। इसके पूर्व भी कई बार कार्यकर्ताओं की ओर से पुलिस तथा जिला प्रशासन को इस मामले पर अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बात पर पुनः ध्यान आकर्षण कराने के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। बंद करो अत्याचार, करती गाय करे पुकार। बंद करो अत्याचार, करती गाय करे पुकार। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। गाय काटने वालों के हाथ काट दो सालों के, गाय काटने वालों के हाथ काट दो सालों के। उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, सुस्त है। पुलिस कार्रवाई की दुरुस्त करने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे प्रांत में आज ही के समय एक साथ दिया जा रहा है जो आपके समक्ष जिस पर शीघ्र कार्रवाई की निवेदन करते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के कैदों की तलैया में एक व्यक्ति के डूब जाने के बाद उसकी मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पवन रैकवार नामक युवक को मृगी आती थी और वह कैदों की तलैया के पास रहकर ही अपना गुजारा करता था। बुधवार की सुबह जब कैदों की तलैया में वह नहाने के लिए गया, उसी के दौरान मृगी का दौरा आने के कारण वह पानी में डूब गया। काफी देर तक घर नहीं पहुँच पाने के कारण परिजनों ने जब उसकी तलाश की तो तालाब के किनारे उसके कपड़े आदि मिले। इसके बाद उसकी तलाश की गई तो उसका शव तालाब में पाया गया। वही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। जबेरा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में जनपद शिक्षा केंद्र द्वारा स्कूल चले हम अभियान का ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला परियोजना समन्वयक हेमंत खेरवाल की विशेष उपस्थिति रही, जिसमें ब्लॉक की समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रभारी व प्रधान अध्यापक सम्मिलित हुए। प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों द्वारा स्कूल चले हम के सर्वे के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रही। जबेरा से शैलेंद्र जैन की रिपोर्ट। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार।